दी है वो उस काम के लिए दी है, और भगवान ने जो मुझे जन्म दिया है ये काम करने के लिए, मजबूरी करने के लिए दिया है। तो दोनों का क्षेत्र अलग अलग है, और ये हम दोनों ने प्रूव करके दिया है कि किसने कहाँ पर काम करना है। अब चुनाव है, कांग्रेस के लोगों ने पता नहीं क्या गुलबुला या लिखा है, तो उर्मिला जी आ गए। मुझे खुशी इस बात का कि चलो मेरे सामने लड़ने के लिए एक अच्छी उम्मीदवार के रूप में उर्मिला जी आ रहे, तो उसका निश्चित उत्तर मुंबई के मतदाता हम सब मिलकर स्वागत करेंगे। ऐसा लग रहा है क्या जिस तरीके से बाहर के उम्मीदवार है, कलाकार है, क्रिकेटर है, ये भाजप में भी उतने तौरान पे आ गए हैं, उसके लिए लगता है क्या कि ये सब चीजों से उन लोगों ने इस जो है राजनीति में आना नहीं चाहिए? ऐसा नहीं, इसलिए मैंने तो इस बात को आज तक मेरे मुंह से कभी निकला ही नहीं कि ये बाहर के है, ये फिल्म कलाकार है, हमारे वहां वो फिल्म कलाकार जीतेंगे तो वो अच्छे है, दूसरे ये इसका तो मैं तुलना ही नहीं करता हूँ। मैं तो तुलना करता हूँ कि मैंने इतने सालों से किया हुआ काम, मेरा इतने सालों का लोगों के साथ में संपर्क, उत्तर मुंबई मतदार संघ को जिस तरह से हम लोगों ने सींचा है, सारे समाज के लोगों को साथ में लेकर चलने का एक जो स्वभाव बना है, ये सारा जमा का बाजू हमारे पास है। और मेरा इलेक्शन के फील्ड में पहले दिन से एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि पहले दिन से कॉर्पोरेशन से मैं लीड बढ़ाता गया, तो इसका ये अंदाजा आता है कि सब लोग साथ में जुड़े हुए, सब लोगों का विश्वास भी है, तो जीत पक्की है, और जीत गत बार से भी ज़्यादा वोटों से जीतने का पूरा विश्वास।